हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी टू क्वालिफाई DSSSB TGT नेचुरल साइंस एग्जाम। हमने पार्ट ए देख लिया था, जो पार्ट ए है वो सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन था, ठीक है। बट कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि पार्ट बी का डालिए कि TGT नेचुरल साइंस पार्ट बी कैसे क्वालिफाई करना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है। आप पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स और पूरी बायो नहीं पढ़ सकते। तो 2018 और 2014 का जो एनालिसिस है, उस हिसाब से हमें कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं ताकि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। इसमें हम ये भी देखेंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं और मार्क्स वेटेज किस चैप्टर से कितनी थी और कैसे क्वालिफाई करना है एग्जाम को, कैसे स्टडी करना है, बुक्स कौन सी पढ़नी है और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पार्ट बी का जो नॉर्मल पैटर्न है वो क्या है। तो जो पार्ट बी में है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आएंगे आपके। और आपको पार्ट बी क्वालिफाई करने के लिए 40% या उससे ज़्यादा चाहिए, ये अनरिजर्व के लिए है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 35% या उससे ज़्यादा ला सकते हैं आप, और अगर SC ST कैंडिडेट है तो मोर देन 30%। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कि पार्ट ए को क्वालिफाई करना है सेपरेटली और पार्ट बी को सेपरेटली क्वालिफाई करना है। तो अनरिजर्व के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पार्ट ए में भी आपको 40% या उससे अबव लाने हैं और पार्ट बी में आपको 40% या उससे अबव लाने हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेरी ये क्लियर करना चाहूँगी कि मान लीजिए किसी के पार्ट ए में तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जैसे 60% आए हैं, ठीक है, बट पार्ट बी में बहुत कम मार्क्स आए हैं, जैसे 30% आए हैं, तो उसे डिसक्वालीफाई माना जाएगा। तो मतलब दोनों पार्ट्स में 40% और उससे अबव लाना है मेरिट में आने के लिए और कट ऑफ में आने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखने की जो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हैं, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपके सही उत्तर पे तो 1 मार्क मिलेंगे बट गलत पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये देखना है कि पार्ट बी में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, बट हम यहाँ पे सिर्फ TGT नेचुरल साइंस की बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड CDP। तो बायोलॉजी जो है उसमें हमें ये देखना है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं, CDP के कितने आते हैं। तो बायोलॉजी के 42 या 45 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 23 to 24, फिजिक्स के 23 to 24 एंड CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आप यहाँ पर ही देख रहे हैं कि जो मेन है वो क्या है, बायो है, उसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स के सेम ही क्वेश्चन आते हैं। बट केमिस्ट्री के चैप्टर्स बहुत सारे हैं, अगर हम बायो की भी बात करें तो बायो के भी चैप्टर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि क्लास 11th में 22 चैप्टर्स, 12th में 16 चैप्टर्स हैं, फिर 10th और 11th में भी बायो है, 9th और 10th में भी बायो है, इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी कई सारे चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में। तो ये फिजिबल नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और चैप्टर पढ़ने से इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली MCQs देखने हैं, MCQs देखते हैं तो सारे आंसर्स ठीक रखते हैं। तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। तो पहले हम ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स हैं, तो आपको क्या करना है कि जो चैप्टर्स मेन हैं उन्हें पढ़िए, उनके MCQs सॉल्व करिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है फिर बाकी चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। तो जो बायोलॉजी है उसमें टिपिकल बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं 35 to 36। तो ये टिपिकल बायोलॉजी के क्वेश्चन मतलब कि उसमें आपके 11th, 12th, 9th और 10th के बायो के क्वेश्चन आते हैं, बट जनरल साइंस से, मतलब आस पास के, जैसे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब होता है, पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, तो वो भी आपके हो जाते हैं EVS के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन, अगर आपने क्लास 12th के लास्ट के 4 चैप्टर्स अच्छे से किए हैं। तो 12th क्लास के लास्ट के 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी बायो की वीडियोस देखी होंगी DSSSB TGT नेचुरल साइंस 2018 की, जिसमें मैंने सॉल्व कराए क्वेश्चन, तो आपको उधर से भी पता चलेगा कि जो इकोलॉजी है लास्ट क्लास 12th के जो लास्ट के 4 चैप्टर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक और चीज़ कि जो इकोलॉजी है, जो क्लास 12th के लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस ना आपको जनरल अवेयरनेस में भी देखने को मिलेंगे, पार्ट ए में भी एक दो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इस हिसाब से वो तो आपको करते ही जाने हैं। बाकी अभी हम चैप्टर्स को और डिटेल में देखेंगे। तो क्लास 11 से 17 क्वेश्चन आते हैं अप्रॉक्सीमेटली, क्लास 12th से 18 क्वेश्चन, क्लास 9 से 5 क्वेश्चन एंड क्लास 10 से 10 क्वेश्चन। अब ये रेड में इसलिए शो कर रखा है क्योंकि अब जैसे क्लास 9 और 10th के होते हैं हमारे बेस होते हैं 11th और 12th क्लास के, तो आपको ओवरलैपिंग चैप्टर्स दिखेंगे, जैसे क्लास 9 में सेल चैप्टर है, क्लास 11 में भी सेल चैप्टर है। तो अगर आपने क्लास 9 मतलब बेसिक के लिए पढ़ा है बट आपने क्लास 11 का सेल चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये एक्चुअली ओवरलैपिंग क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से जो 10 क्वेश्चन है क्लास 10th के, वो भी ओवरलैपिंग क्वेश्चन हैं कुछ, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, अपने बेस क्लियर करने के लिए तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से क्लास 9th और 10th के चैप्टर्स पढ़ने इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बताऊंगी, और डेप्थ में पढ़ने हैं क्लास 11th और 12th के चैप्टर्स जो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 से। क्लास 9 में आपको वाई डू वी फॉल इल पढ़ना है। वाई डू वी फॉल इल से एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी बेसिकली आपको बीमारियां पढ़नी है उसमें, वायरस से होने वाली बीमारियां, बैक्टीरियल फंगल बीमारियां, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये सेम ओवरलैपिंग चैप्टर है क्लास 11th में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अगर आपने 9th क्लास और 11th क्लास का सेल वाला चैप्टर पढ़ा है तो ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट हो जाएंगे। और तीसरा आपको चैप्टर पढ़ना है इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज, जहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मतलब क्लास 9th से बायो के ये 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं। उसके बाद क्लास 10th से आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। अब यहाँ पे लाइफ प्रोसेस क्लास 10 में भी है, और यही लाइफ प्रोसेस इन डेप्थ 11th क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली पूरी यूनिट, जिसमें न्यूरॉन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये चैप्टर्स अलग अलग दे रखे हैं। तो अगर आप इसे स्किप करके डायरेक्ट क्लास 11th के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डेप्थ में आएंगे क्वेश्चन। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, 3 क्वेश्चन आते हैं। यही रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन करके क्लास 12th में 2 चैप्टर्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है इसकी जगह। तो मतलब आप बेसिक क्लियर करने के लिए 9th और 10th के चैप्टर्स पढ़ें, बट डेप्थ में 11th एंड 12th के चैप्टर्स पढ़ें। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 2 क्वेश्चन, उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये भी आपको क्लास 12th में देखने के लिए मिलेगा, 1 क्वेश्चन। अवर एनवायरनमेंट से 3 क्वेश्चन, ये आप अगर आप अवर एनवायरनमेंट यहाँ पे स्किप कर दें क्लास 10th को तो इट्स ओके, क्योंकि लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं क्लास 12th के वो भी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड ही। फिर आ जाते हैं क्लास 11th में। क्लास 11th में आपको कौन से चैप्टर पढ़ना है, 22 चैप्टर है क्लास 11th में, पर हम इसे देखेंगे इसको शॉर्ट करके कि हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो देखते हैं 22 में से आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन जहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 3 क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन 3 क्वेश्चन, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन 3 क्वेश्चन, और इसी पे बेस्ड चैप्टर क्लास 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने 6 चैप्टर देख लिए, 6 चैप्टर, एंड ये 7th चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ये 2 चैप्टर्स, ठीक है। तो मतलब 6 2 8, मतलब 22 चैप्टर्स में से सिर्फ आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 11th में। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 1 क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से 1 क्वेश्चन, तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 19 से 20 क्वेश्चन क्लास 11th का अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो हो जाएंगे। सोचिए 20 क्वेश्चंस सिर्फ इतने से चैप्टर पढ़ के आप अटेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 2018-14 के हिसाब से है। हो सकता है इस बार इधर से 3 क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से भी ऐसा हो सकता है। तो इसे कहते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये नहीं कि पूरी ग्रंथ लेके बैठ गए और एक एंड से दूसरे एंड तक पढ़ते रहे, फिर कुछ नहीं होगा। जो स्मार्टली टाइम को यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा, वही एग्जाम क्वालिफाई करेगा। उसके बाद आते हैं क्लास 12th पे। क्लास 12th में 16 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे एक्चुअली यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। तो कुछ ही चैप्टर्स यहाँ पे स्किप हो पाएंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 1 क्वेश्चन। बट यहाँ पे स्मार्ट वर्क क्या है कि टॉपिक तो देखो सेम ही होता है, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता होता है टीचर को कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि लास्ट ईयर के MCQ सॉल्व करो, वीडियोज देखो, ठीक है, और उसी टॉपिक से आपको पता चलेगा क्वेश्चन आएंगे। वीडियो देखो, वही टॉपिक पढ़ो, उसमें भी पूरा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 2 क्वेश्चन, ये भी इनिशियल जेनेटिक कोड से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, और DNA डबल हेलिक्स पे क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके से आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए। वो कैसे पता चलेंगे, जब वीडियोज देखेंगे। इवोल्यूशन से 2 क्वेश्चन, ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्लास 10th में भी है। स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन से 2 क्वेश्चन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 1 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अब ये तो हमने बैक में देख लिए कि 6 चैप्टर्स हैं, मैंने बताया था 16 चैप्टर्स टोटल, 6 चैप्टर ये हो गए, और लास्ट के 4 चैप्टर आपको करने ही हैं। तो 16 में से आपको 10 चैप्टर्स करने हैं क्लास 12th के, बट बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी चैप्टर्स हैं क्लास 12th के। अगर बायो के चैप्टर्स देखें तो आप, तो लास्ट 4 चैप्टर्स तो आप इकोलॉजी और EVS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दोगे, DSSS भी ही नहीं, कोई भी एग्जाम, CTET, UPTET, HTET, REET, या फिर UPPSC का एग्जाम दोगे, SSC का एग्जाम दोगे, तो ये लास्ट की क्लास बायो के जो 4 चैप्टर्स है इकोलॉजी को, जनरल साइंस के चैप्टर्स हैं, तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही, वेस्ट नहीं जाएगी आपकी पढ़ाई। तो आप वो लास्ट के 4 चैप्टर्स को अच्छे से करें, और इसके साथ ही अवर एनवायरनमेंट जो क्लास 10th का है
उससे भी मिलते जुलते तीन, जैसे कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, वो सब क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये करने हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली क्लास 12 से आपके 18 क्वेश्चन हो गए। ये बताएं अगर आपने चैप्टर्स कर लिए तो आपकी 40 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए बायोलॉजी में, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा। बुक्स कौन सी पढ़नी है, कोई ग्रंथ लेकर नहीं बैठना इसमें भी कि टू टाइम्स लेकर बैठ गए या फिर कोई हाई बुक लेकर बैठ गए। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। और एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी बुक्स है। फिर आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में टोटल 22 से 23 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अब केमिस्ट्री तो भाई 11th में भी दो बुक्स हैं उसकी, 12th में भी दो बुक्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इधर भी सिर्फ वो चैप्टर देखने हैं जो इम्पोर्टेंट है, पहले उनको पढ़िए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद आपको अपने आप लगेगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखिए कि हाँ आपसे हो जा रहे हैं। तो पहले चैप्टर पढ़ना है, फिर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू आप वीडियो से भी देख के सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो लास्ट ईयर के एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने ही हैं, 2018 में जितने भी क्वेश्चन आए थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। ठीक है, चैप्टर पढ़ने की बात करेंगे तो मॉरल बूस्ट हो जाएगा आपका कि हाँ मुझसे क्वेश्चन हो गए। जैसे क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे, जैसे बायो में भी क्लास 9 से स्टार्ट किया था, क्लास 9 में भी जैसे वहाँ पे भी ओवरलैपिंग चैप्टर्स हैं, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग चैप्टर्स हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे 11th 12th क्लासेस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्लास 9 से 102 क्वेश्चन इन दो चैप्टर से आते हैं। तो आप अपना बेस बनाने के लिए इन दो चैप्टर्स को ऐसे ही रीड कर सकते हैं। ठीक है, 5-6 पेजेस के चैप्टर्स हैं ये। उसके बाद क्लास 10 से दो क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो दो क्वेश्चन आते हैं क्लास 10 से, आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि 11th 12th की केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। क्लास 9th और 10th की केमिस्ट्री पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्लास 11th की केमिस्ट्री से 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं, क्लास 12th की केमिस्ट्री से 10 से 11 क्वेश्चन। तो मेन पोर्शन क्या है भाई, क्लास 11th एंड क्लास 12th की केमिस्ट्री है, वो पढ़नी है आपको, एनसीईआरटी से पढ़नी है। यकीन कीजिए कि केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बायो की बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। उसके बाद क्लास 11th जो है उधर से आपको कहाँ पे किन चैप्टर्स पे फेसिस करना है, मोल कॉन्सेप्ट 1-2 क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स की क्लास 9th में बताया था, वो स्किप करके आप क्लास 11th वाला पढ़िए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दो क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस। रिडॉक्स रिएक्शन से दो क्वेश्चंस, बैलेंसिंग इक्वेशन आते हैं बेसिकली यहाँ से। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक क्वेश्चन, ये मुझे लगता है आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप क्वेश्चन देख के आंसर बता सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 1-2 क्वेश्चन, हाइड्रोजन एक क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम 1-2 क्वेश्चन। तो ये बहुत ही ईजी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप ये नहीं रखना कि न्यूमेरिकल, जैसे 22 से 23 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, बट न्यूमेरिकल दो या तीन ही आते हैं। तो आप थियोरेटिकल पार्ट को भी पढ़िए अच्छे से, थियोरेटिकल पार्ट को पढ़ेंगे फॉर्मूला देखेंगे तो हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो। तो ये नहीं डरना कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल है। जब पहले आप चैप्टर रीड करेंगे तो अपने आप आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अप्रॉक्सीमेटली क्लास 11th की केमिस्ट्री से 11th से 12th क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाते हैं क्लास 12 पे। क्लास 12 में पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये दो चैप्टर्स से दो क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन दोनों से आते हैं। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल एलिमेंट्स, ये मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर है जो क्लास 10th में है, तो इससे दो क्वेश्चन आते हैं, ये आपको अच्छे से करने हैं, कोर्स वगैरह पढ़नी है यहाँ पर। बायो मॉलिक्यूल से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी ने बायो पढ़ी है अच्छे से तो बायो मॉलिक्यूल चैप्टर को नहीं भी करेगा तब भी उसको समझ में आ जाएगा आंसर क्या है, क्योंकि सेम ही है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिंस वगैरह हैं इसमें जो जनरल साइंस का भी पोर्शन है। तो बायो मॉलिक्यूल्स भी आप रीड कर सकते हैं। सॉल्यूशन 2 क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, विग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू जो रिएक्शंस होती हैं, बाकी की जो इक्वेशंस होती हैं उसमें वो आप कर सकते हैं इंपॉर्टेंट। पॉलीमर्स से 1-2 क्वेश्चंस, यहाँ पे ये सब पढ़ना है, ब्यूना एस, ब्यूना एन और बेकलाइट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है पॉलीमर्स वाले चैप्टर से। तो ये तो थियोरेटिकल चैप्टर ये हो गया, उसके बाद बायो मॉलिक्यूल्स हो गया, ये थियोरेटिकल चैप्टर हैं, जनरल प्रिंसिपल्स हो गए, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि पूरी 11th की केमिस्ट्री से 6-7 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, पूरी 12th की केमिस्ट्री से ही भी 6-7 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 6 ही चैप्टर्स ये करने हैं आपको, 8-7 डी एन एफ ब्लॉक। ठीक है, और ये जो है ये तो 5-5, 6-6 पेजेस के, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। फिर आ जाता है फिजिक्स पोर्शन, फिजिक्स के भी 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं, क्लास 9 से 6 क्वेश्चन आते हैं, क्लास 10 से 5-6 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, ओवरलैपिंग चैप्टर्स,
जो नाइन्थ के कुछ चैप्टर्स हैं वो इलेवेंथ में हैं, जो टेंथ के चैप्टर्स हैं वो ट्वेल्थ में हैं। तो बेस बनाने के लिए, क्योंकि बेस इंपॉर्टेंट है, पहले नाइन्थ के चैप्टर्स को ऐसे ही रीड करिए, ठीक है, टेंथ के चैप्टर्स को भी रीड करिए, इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगी। उसके बाद इलेवंथ और ट्वेल्थ के चैप्टर्स को प्रॉपरली रीड करिए, उसके एमसीक्यूज सॉल्व करिए, क्योंकि फिजिक्स में आपके एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास 11 से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, क्लास 12 से 5 टू 6 क्वेश्चन आते हैं। क्लास 9 के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो है मोशन, वर्क एंड एनर्जी, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये आप दो दिन में इसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं उसके साथ ही। तो मतलब आप ओवरलैपिंग चैप्टर्स इकट्ठे कीजिए, मोशन का जो क्लास 9 का चैप्टर है और जो 11th का है, पहले ये वाला मोशन पढ़िए, फिर वो वाला पढ़िए और सॉल्व करिए क्वेश्चन। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला जो है वो अच्छे से करना है आपको। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से आईज की डिजीज, आई का स्ट्रक्चर ये पता होना चाहिए आपको। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, और लेंस फॉर्मूला पे इन फेसेस देना है, मिरर फॉर्मूला पे इन फेसेस देना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्लास 11th पे। क्लास 11th में मोशन इन प्लेन एक क्वेश्चन, वेव से एक क्वेश्चन आएगा, वर्क एनर्जी एंड पावर से 2 से 3 क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स से 2 क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन से 3 से 4 क्वेश्चन। और यही नाइन्थ क्लास में दिए, जैसे मोशन उधर भी है, लॉज ऑफ मोशन और मोशन, तो मतलब वो वाला मोशन पढ़ने के बाद ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से क्लास 11th के। और फिर आ जाते हैं क्लास 12 में रे ऑप्टिक्स करना है, तो लाइट जो चैप्टर है उससे मिलता जुलता ये चैप्टर है, उसको पढ़िए लाइट, फिर रे ऑप्टिक्स पढ़िए। तो आप दोनों को रिलेट करके, कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1 से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 1 क्वेश्चन। तो आपने देखा कि हमने बहुत वास्ट सिलेबस को बहुत कम कर लिया, ये भी जान लिया कि किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। की क्या है सक्सेस की, चैप्टर पढ़िए, एमसीक्यू जरूर सॉल्व करिए, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। हाँ, बट क्वालिफाई करने के लिए, मतलब कि जो कट ऑफ है वो 120 नंबर जाती है, तो क्वालिफाई करने के लिए आपको दोनों में 40-40 परसेंटेज लाने हैं, पार्ट ए में पार्ट बी में। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वो ज़रूर देखें कि पार्ट ए को कैसे क्वालिफाई करना है, वहाँ पर भी स्मार्टली आपको चीज़ें पढ़नी हैं। क्योंकि अगर आप मेरिट में आएंगे तभी आप कट ऑफ के आसपास पहुंच पाएंगे, ठीक है, और तभी आप रैंकिंग में भी आएंगे। तो सब लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले करिए। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर क्लास 12 में 5-6 क्वेश्चन ही हो गए। अगर आपको कोई सजेशन है या कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।